देखिए यहाँ है आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन का हर मॉडल जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे तो यही मशीन इसी मोटर में, क्रम्पटन मोटर में सेम मशीन आपको मात्र जो है वो ये मशीन मात्र जो है क्या हो जाएगा कि आपको 70,000 या 65,000 के रेंज में मिल जाएगा। तो यही फ़र्क होता है सेमी ऑटोमेटिक में और फुल ऑटो। ये देख लीजिए, ये 32 इंच का जो है बेलन है, 32 इंची का डबल ब्लोअर के साथ ये मशीन है। और इसमें देख लीजिए छोटा छोटा डबल आइटम चलने का सिस्टम है, यानी ये ट्रिपल डाई वाला ऑल इन वन है। दोस्तों आज की वीडियो उनके लिए है जो पेपर प्लेट का बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें जो है बहुत सारा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो इस डाउट में फंसे हुए हैं कि यूट्यूब पे वो बहुत सारा वीडियोज देखते हैं बट उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि भाई हम ऑल इन वन मशीन ले या क्रेंक वाली मशीन ले या फिर हैंड प्रेस मशीन ले या फिर कौन ऐसा आइटम लें जिससे जो है मार्केट के सभी ज़रूरतों का पूर्ति हो सके। क्योंकि उनको हमेशा से ये डर सताता है कि भाई अगर हम क्रेंक वाला मशीन ले लिए तो फिर जो है उसमें सुनते हैं कि रिंकल नहीं बनेगा, बफर नहीं बनेगा, और अगर हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक ले है कि या ऑल इन वन ले लिए तो उसमें जो है छोटा आइटम बनाने में बहुत समय लगता है और एक ही समय में हम जो है पतला वाला आइटम और बफर वाला आइटम का काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके का अगर आपका भी जो है आपका भी सवाल है कि भाई हम कम पूंजी में मार्केट के सभी डिमांड को पूरा करते हुए कौन कौन सा मशीन लगाए जिससे जो है हम सफल हों और जो है पूंजी भी कम लगे, तो कुल 6 पॉइंट के अंदर मैं आज की इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, सारी चीज़ों को बताने वाला हूं कि मार्केट का क्या क्या डिमांड है, कितने प्रकार की जो है दोना थाली नाश्ता प्लेट मार्केट में चलता है, उस जो है दोना थाली प्लेट के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है और किस मशीन से कौन सा प्लेट निकलता है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए तो सही इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेकर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत कदम उठाते हैं और गलत जानकारी लेकर के गलत जगहों से मशीन परचेज कर लेते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। और वही फेल हुए लोग YouTube वीडियो के नीचे कमेंट क्या करते हैं कि भाई इस बिजनेस में तो मुनाफा ही नहीं है, वो अपना ब्लेम नहीं सुनाते हैं कि भाई हम गलत किए हैं, हमको खरीदना चाहिए ये मशीन, खरीद लिए ये मशीन, ये सब चीज़ों पे वो जो है ध्यान ही नहीं देते, बल्कि वो दूसरे को जो गलती किए हैं उसका एहसास उनको नहीं होता है और वो बिजनेस को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं। सो अगर सही रूप से अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। इस पॉइंट के अंदर में मैं आपको मार्केट में कितना डिमांड है इस प्रोडक्ट का, कहां कहां जो है इस प्रोडक्ट का जो है वो डिमांड है और लोग क्या क्या चीज़ जो है यूज करते हैं, मतलब कि गोलगप्पे वाला जो है कितने GSM का और कितने साइज़ में यूज करता है, होटल में क्या साइज चलता है, गांव देहात में भोजन थाली में किस चीज़ का उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों का जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है जगह। दोस्तों जब हमें डिमांड का पता चल जाएगा तब हम मशीन लगाने के लिए जगह और इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करेंगे। तो जगह किस प्रकार का होना चाहिए, कितना बाई कितना का जगह होना चाहिए और उस जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसा चाहिए, सिंगल फेज में चाहिए या 3 फेज में चाहिए, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा है मशीन और मटेरियल की जानकारी। जब जगह और डिमांड का पता चल जाए, बिजली का पता चल जाए, तब हम मशीन की ओर बढ़ेंगे कि आखिर इसके लिए हमें कौन सी मशीन चाहिए, कितने प्रकार की मशीन आती है, कम कॉस्ट में हम जो है इन सभी प्रोडक्ट को कौन कौन से मशीन को लेकर हम जो है मार्केट के डिमांड को पूरा कर सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी और मटेरियल यानी कि जो भी डिमांड में हमारा प्रोडक्ट है, थाली दोना पे प्लेट नाश्ता प्लेट ये सब बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल आता है, कितने GSM का आता है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, इसकी जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। चौथा हमारा पॉइंट है वो है खरीदने की प्रक्रिया।
इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कहाँ किस जगह आप जाके जो है बनता हुआ प्रोडक्ट को देख सकते हैं, बनता हुआ मशीन को देख सकते हैं, बनता हुआ मटेरियल को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ों को समझिएगा नहीं, तब तक उस चीज़ में आप सफल नहीं हो पाइएगा। सो इस पॉइंट के अंदर मैं वहाँ विजिट करने की पूरी प्रक्रिया बताऊँगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा और ख़रीदने की जो है प्रक्रिया बताऊँगा। लास्ट जो है जैसा कि हमारा पांचवा पॉइंट है वो है लागत, यानी कि इन्वेस्टमेंट। जब हमें सभी चीज़ों का पता चल जाएगा, मशीनों के बारे में भी पता चल जाएगा, तो ये देखना है कि आखिर इस बिजनेस के अंदर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, यानी पूंजी कितना लग रहा है। तो पूंजी के बारे में जो है मैं आपको पाँचवें पॉइंट में बताऊँगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है कमाई और जो है मार्केटिंग। हर लोगों का पर्पस होता है, कहीं भी वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक ही पर्पस होता है कि हम जो इन्वेस्ट किए हैं उससे हमें कुछ मुनाफा आए। तो कितना आपका कमाई होगा, मुनाफा को कैसे निकाला जाता है और कितना तक आप कमा सकते हैं, इसकी जानकारी जो है मैं आपको छठे यानी लास्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट है डिमांड। तो देखिए मार्केट में अगर डिमांड की बात की जाए तो पेपर प्लेट का थाली बना प्लेट, नाश्ता प्लेट, बफर प्लेट, छोटा डोना, आइसक्रीम प्लेट, इस तरीके का लगभग 20 से 25 प्रकार का प्रोडक्ट का जो है डिमांड है। अब थाली में आ जाइए, थाली जो है वो भोजन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ढाबा में, होटलों में, भोज भात, शोक सभा, शादी विवाह, फंक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। दोना को देख लीजिए, दोना प्रसाद खाने में काम आता है, सब्जी खाने में आप काम आता है। प्लेट का डिमांड देख लीजिए, प्लेट का डिमांड आपका होटल में नाश्ता करने के लिए आता है, मोमोज चाउमीन खाने के लिए आता है, समोसा खाने के लिए आता है। बफर थाली का डिमांड आप देख लीजिए, बफर थाली का डिमांड जो है वो जैसे भोज भात में हाथ पे जो है ना, जिसको बॉक्स सिस्टम बोलते हैं गांव में, उस तरीके का भोज भात में जो है बफर प्लेट का उपयोग किया जाता है। छोटा डोना का उपयोग देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है गोलगप्पे बेचने वाले होते हैं या फिर लड्डू बेचने वाले होते हैं, वो छोटे डोने का, इस टाइप का छोटे डोने का उपयोग करते हैं। उसके बाद आइसक्रीम प्लेट आ जाता है, जैसे शादी विवाह में देखते हैं ना आइसक्रीम जो है देते हैं लोगों को, तो वो एक जो है स्क्वायर में जो है वो आइसक्रीम प्लेट आता है। तो लगभग लगभग 20 से 25 प्रकार का आइटम है और पेपर प्लेट में एक बड़ा ही स्कोप है। थर्मोकोल बंद होने के बाद मार्केट में इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें पेपर प्लेट का जो है कोई भी आइटम बेचकर आप जो है पैसा कमा सकते हैं। डिमांड देख लिए, अब इसमें दो टाइप का आता है, एक आता है प्लेन आइटम या सिंपल आइटम। अब देखते हैं इस प्रकार का जो कोर वाला थाली आता है, कोर वाला दोना आता है, प्लेट आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिंपल आइटम। अब एक आता है मतलब डिजाइन आइटम, मतलब डिजाइन आइटम या फैंसी आइटम उसको बोल सकते हैं। इसमें आता है फूल डिजाइन बना हुआ इस टाइप का रिंकल प्लेट, चार खल वाला या फोर सीपी थाली, उसके बाद डायमंड प्लेट, आइसक्रीम प्लेट, बफर सीट, सागवान प्लेट, फूल डिजाइन वाला डाई, इस प्रकार का। तो ये सब कौन सा श्रेणी में आता है, ये सब आता है डिजाइन वाली यानी फैंसी आइटम के श्रेणी में आता है। तो देखिए अब बात आता है कि, तो दोस्तों डिमांड तो आप समझ गए कि मार्केट में क्या डिमांड है। अब डिमांड के अनुसार जो है मशीन मटेरियल और जगह और बिजली के बारे में समझते हैं। तो देखिए आप जो भी मैं बताया हूँ इसमें अगर आपको फैंसी आइटम बनाना है तो आपको लेना होगा हाइड्रोलिक मशीन, मतलब हाइड्रोलिक ऑल इन वन लीजिए या फिर सेमी ऑटोमेटिक लीजिए। और अगर आपको प्लेन आइटम बनाना है तब आपको लेना होगा क्रेंक मशीन, या फिर आपको ये सारा आइटम बनाना है तब आपको लेना होगा ऑल इन वन मशीन। तो देखिए बहुत सारे लोगों के पास पूंजी कम है और उनको दिक्कत क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम ऑल इन वन अगर ले लेंगे तो ऑल इन वन पे क्या कर रहे हैं हम, एक समय में जो है अगर कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस समय बफर प्लेट का आ गया तो हम जो है बफर प्लेट कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑल इन वन मशीन, क्रेंक मशीन और सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है और किस मशीन से कौन सा आइटम बनेगा, इस चीज़ की मैं जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको मशीन के बारे में समझाने के लिए आ गया हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज में।
जो ये चंद्राटी चौक मुजफ्फरपुर बिहार मेन रोड के ठीक बगल में स्थित है। और यहाँ पे हर तरीके का मशीन आपको निर्माण किया जाता है। ऊपरी भाग में हाइड्रोलिक ऑल इन वन है, निचली भाग में क्रेंक मशीन, लेमिनेशन मशीन। सबसे पहले हम क्रेंक मशीन के बारे में समझाते हैं। क्रेंक मशीन क्या है? तो क्रेंक मशीन, ये क्रेंक लगा हुआ है और बेलन लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्रेंक मशीन बोलते हैं। क्रेंक मशीन इस तरीके से ऑटोमेटिक चलती है और इसमें आप कोर प्लेट का जो भी आइटम है, मतलब सिंपल आइटम, वो सब निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें मॉडल आता है, जैसे ये हो गया 18 इंच बेलन में 210 नंबर ब्लॉक बैरिंग 4 इंची और 3 इंची में हेवी चैनल बॉडी में, ये आपका बन गया मशीन। और एक आता है, ये देख लीजिए, डबल ब्लॉक बैरिंग ये भी है, लेकिन इसमें बेलन जो है 16 इंच का दिया गया है और ये भी 4 और 3 इंच के चैनल में देख सकते हैं, ये हेवी में बना हुआ है। उसके बाद इसमें आता है एक डबल डाई, यानी इसमें आप एक साइड 6 इंच, एक साइड 5 इंच या एक साइड 13 इंच, एक साइड 6 इंच, आप जो है दोना थाली, नाश्ता प्लेट के लिए, कोर प्लेट के लिए ये आइटम आता है डबल डाई मशीन। और मॉडल आता है, जैसे ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है चलने वाला सिंगल ब्लॉक में है 14 इंच बेलन में। इस मशीन पे आप 4 इंच से लेकर के और 13 इंच तक जो है हर प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब हर प्रोडक्ट में सिंपल आइटम का जो केबल है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल आइटम बनाने के लिए सब मशीन जो है वो है। अब मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन दिखाता हूँ, जिसपे जो है फैंसी आइटम का निर्माण किया जाता है। और मैं आपको हाइड्रोलिक का दोनों मॉडल दिखाऊंगा, सेमी ऑटोमेटिक क्या है और फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन मशीन क्या है। तो अब मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऊपरी भाग में आ गया हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोलिक ऑल इन वन का मॉडल। तो देखिए, यहाँ है आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन का हर मॉडल जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे इसका सिंगल सिलेंडर, ये देख लीजिए, ये सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई है, देख सकते हैं, ये ऑल इन वन है। पीछे बेलन जो लगा हुआ है ये ऑल इन वन है, डिजिटल पैनल के साथ ये आता है। अब पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ऑल इन वन क्या है और सेमी ऑटोमेटिक क्या है। देखिए, जिसमें जो है पीछे इस तरीके से जो है बेलन लगा के इसको फुल ऑटोमेटिक बना दिया जाता है और ये दोनों मोड में काम करेगा, यानी मैनुअल भी करेगा और ऑटो भी करेगा, सेमी ऑटो दोनों मोड में चलेगा। यानी रोल खींच के काम करना है तो रोल खींच के कर सकते हैं, और जो है हमें बफर सीट या सर्कल लगा के रिंकल बनाना है तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है ऑल इन वन। अभी सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है, देखिए, सेमी ऑटोमेटिक में पीछे से कोई बेलन नहीं है, बेलन का उसमें सिस्टम नहीं रहता है, इसमें केवल आप मैनुअली काम कर सकते हैं। मैनुअली मतलब हुआ कि आप सर्कल लगाइए, चप्पल का सीट काटिए या फिर बफर प्लेट बनाइए, तो ये सेमी ऑटोमेटिक। तो जाहिर सी बात है, जब ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक का नहीं लगेगा तो ये 85,000 के जगह इस मशीन का दाम आपका 65,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। जिस मान लीजिए ये मशीन है, ये अभी रोल लगा के जो है देख सकते हैं, फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन है, एकदम हेवी लोहा में, तो इसका दाम है 85,000 या 90,000। अब इसमें जो है ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं रहेगा तो यही मशीन इसी मोटर में, क्रम्पटन मोटर में सेम मशीन आपको मात्र जो है वो ये मशीन मात्र जो है क्या हो जाएगा कि आपको 70,000 या 65,000 के रेंज में मिल जाएगा। तो यही फ़र्क होता है सेमी ऑटोमेटिक में और फुल ऑटोमेटिक में। उसके बाद इसका एक और मॉडल दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये 32 इंच का जो है बेलन है, 32 इंची का डबल ब्लोअर के साथ ये मशीन है। और इसमें देख लीजिए, छोटा छोटा डबल आइटम चलने का सिस्टम है, यानी ये ट्रिपल डाई वाला ऑल इन वन है। ऑल इन वन कहने का मतलब इसमें फैंसी आइटम, सिंपल आइटम, सब आइटम बन सकता है। कोई ऐसा पेपर प्लेट का आइटम ना है जो इस मशीन में ना बनेगा, इसमें सब आइटम बनेगा। तो इसीलिए इसको ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन कहा गया है। तो मैं सेमी ऑटोमेटिक में के बारे में समझाया हूँ, क्रेंक मशीन दिखाया हूँ, ऑल इन वन का डबल सिलेंडर डबल डाई और ये सिंगल सिलेंडर में ट्रिपल डाई, सब मॉडल आपको दिखा दिया हूँ। तो अब आइए अब लागत की तरफ चलते हैं कि किस मशीन को खरीदने में, जैसे इस मशीन के साथ आपको डाई सब लेना होगा,
मशीन के साथ ही एक या दो ही डाई आता है, बाकी बाद आपको डाई परचेज करना पड़ेगा। तो हर डिज़ाइन का डाई, रॉ मटेरियल, ये सब खरीदने में कितना पैसा लगेगा, आइए मैं इन्वेस्टमेंट में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको मशीनों की जानकारी हो गई होगी। अब देखिए इसमें आपको देखना होगा कि भाई हमें सब आइटम बनाना है तो हम ऑल इन वन ले या फिर एक सिंगल डाई क्रैंक मशीन ले या और एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ले, या ये दोनों को न लेकर हम केवल ऑल इन वन ले। तो इस चीज़ों को जो है आप डिसाइड कर सकते हैं जा करके कृष्णा इंटरप्राइज में, जैसा कि हमारा अगला पॉइंट है खरीदने की प्रक्रिया। कृष्णा इंटरप्राइज में आपको हर मशीन जो है बनता हुआ दिख जाएगा, जैसे इसका ऑल इन वन का हर मॉडल मिल जाएगा, ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन सेमी ऑटोमेटिक में मिल जाएगा, क्रैंक मशीन का आपका जितना भी मॉडल मैं दिखाया हूँ या बताया हूँ वो सारा आइटम आपको मिल जाएगा। खास बात ये है कि आप यहाँ जा कर के ये बोलते हैं कि चलता हुआ हमें मशीन दिखाइए या मशीन चला के दिखाइए, तो डेमो सेशन में मशीन लगा हुआ है वो भी दिखा दिया जाएगा, या फिर जहाँ पर लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको विजिट करवा दिया जाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमारा अगला पॉइंट है लागत यानी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्रैंक मशीन अगर और एक सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं तो कितना पैसा लगता है, ऑल इन वन लेते हैं तो कितना पैसा लगता है, और जिनके पास कम, बहुत कम पूंजी है वो अगर सिर्फ एक सिंगल डाई क्रैंक मशीन से शुरुआत करेंगे तब उनको कितना लग जाएगा। तो आइए इस इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑल इन वन कोई लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल इन वन में हर आइटम बनने का जो है सिस्टम है, तब उनको कितना लग जाएगा। तो देखिए ऑल इन वन तो ऐसे बहुत मॉडल आता है जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर किया हूँ, बट जो है एक शुरुआती दर के लिए सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर जो चैन मॉडल और गियर मॉडल दोनों में आता है, लेकिन इसका चैन मॉडल का मैं प्राइस बता रहा हूँ वो 85,000 से 90,000 के बीच में आएगा। इसका रेट मैं जोड़ रहा हूँ 85,000। डाई में फैंसी और सिंपल मिला करके 20,000 का मान लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट डाई में 20,000 ही लगे, क्योंकि मैं ज़रूरत डाई का बताया हूँ। लोग यहाँ सोचते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा डाई खरीदें, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा डाई खरीदेंगे वो उनको 20 के जगह 30 लग सकता है, 30 के जगह 40 भी लग सकता है, या 10,000 का भी लग सकता है, ये उनके ऊपर निर्भर है। मैं 20,000 का डाई, 20,000 का रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट 10,000 मान के चलता हूँ। 10,000 अदर कॉस्ट क्यों माना हूँ, 10,000 में जैसे होगा क्या कि आपका जो भी इसमें टंकी लगा हुआ रहता है उसमें ऑयल डालना पड़ता है, तो ये ऑयल आपको कंपनी वाला नहीं देता है, आपको खुद जो है डालना पड़ता है 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल। तो ऑयल हो गया, वायरिंग हो गया, भाड़ा हो गया, तो ये सब लेके मान लेते हैं 10,000 अदर कॉस्ट, यानी टोटल आपका जो है ऑल इन वन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है 135,000। अब इसमें जो है 135,000 के अलावा ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये आपके प्रोडक्ट परचेजिंग करने के ऊपर है। मैं केवल फॉर्मूला के तौर पे आप लोगों को समझाया हूँ। तो अगर ऑल इन वन मशीन लेकर स्टार्ट करते हैं तब आपको 135,000 का इन्वेस्टमेंट जो है लग रहा है। अब दूसरा सवाल है लोगों का कि जैसे वो सोचते हैं कि भाई हम ऑल इन वन पे बफर प्लेट बनाएंगे, ये रिंकल प्लेट बनाएंगे और हमें डोना का ऑर्डर आ जाएगा, तब तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तब क्या करें। तब उनके लिए ऑप्शन है कि आप भाई एक क्रैंक मशीन लीजिए और एक हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक लीजिए, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन का जो होता है वो प्राइस कम हो जाता है, 85 के जगह आपका केवल 65,000 ही लगेगा। तो एक सिंगल डाई क्रैंक मशीन 4 इंच से लेकर 14 इंच तक चलाने के लिए हमें 45,000 का एक क्रैंक मशीन लेना होगा, सेमी ऑटोमेटिक एक हाइड्रोलिक मशीन लेना होगा जो लगभग 65,000 का आएगा, डाई 20,000 का मान लेते हैं, 20,000 का रॉ मटेरियल, अदर कॉस्ट 10,000, यानी 160,000। अब ये 160,000 रुपया लगा देते हैं तब क्या होगा कि आपका हाइड्रोलिक पे फैंसी आइटम जितना भी है, डायमंड है, बफर है, या फिर रिंकल है, या फिर आइसक्रीम प्लेट है, ये सब आपका उस पर बन जाएगा। और उसके बाद कोर आइटम है जैसे नाश्ता प्लेट है, फुचका वाला डोना है, प्रसाद वाला डोना है, चाउमिंग प्लेट है, ये सब आपका सिंगल डाई पे बन जाएगा। अगर कोई दुकानदार या कोई लोग आपको बफर प्लेट का ऑर्डर भी दे रहा है और प्रसाद वाला भी डोना दे रहा है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो दो मशीन रहेगा तो ऑप्शन रहेगा कि एक मशीन से आप डोना निकाल लीजिएगा एक ही समय में, और एक मशीन से आप बफर थाली निकाल के ऑर्डर पूरा
पूरा कर सकते हैं, जो कि एक मशीन केवल ऑल इन वन रहने से ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक मशीन से एक समय में कोई एक ही काम हो सकता है। तो मैं ऑल इन वन से इन्वेस्टमेंट बता दिया हूँ, उसके बाद एक सिंगल डाई और सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक से इन्वेस्टमेंट बता दिया हूँ। अब लोगों का सवाल हुआ कि भाई हम शुरुआती दर में केवल जो है फुचका वाला दोना बनाएंगे, नाश्ता प्लेट बनाएंगे और बफर थाली भी ज़रूरत पड़ने पर बना लेंगे, रिंकल हमें नहीं बनाना है, केवल कोर प्लेट बनाना है। तब वो जो है 60 से 65 हज़ार रुपया लगा के इस तरीके का जो है सिंगल डाई मशीन, जो 14 इंच के बेलन वाला है सिंगल ब्लॉक में, ये ले सकते हैं। इनको डाई रॉ मटेरियल लेके 60 से 65 हज़ार इन्वेस्ट लग जाएगा और उसमें ये अपना बिजनेस चालू करके दोना थाली नाश्ता प्लेट का ये निर्माण कर पाएंगे। तो हर रूप से जो है मैं आपको इन्वेस्टमेंट जो है बताया हूँ, समझाया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा जानकारी दिया हूँ। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो नया स्टार्टअप करना चाहते थे और उनको बहुत सारा डाउट था कि भाई हमें कौन सा मशीन लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को देखकर समझकर हमें ख़रीदना चाहिए। तो हर चीज़ों को जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाया हूँ। वही अगर बात की जाए कि अगर आप विजिट करके इस चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लास्ट हमारा पॉइंट है कमाई और मार्केटिंग। तो देखिए कमाई के लिए अगर देखना चाहते हैं कि एक किलो में कितना पीस निकलता है और कितना कमाई होता है, तो इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और इस चीज़ के बारे में समझिए। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।